नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा हाई कोर्ट के डबल बेंच के एक ऐसे फैसले के बारे में जो एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में वाइफ की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और ये किन वाइफ की मुश्किलें बढ़ाएगा? ऐसी पत्नियां जो अपने पति के खिलाफ झूठी दरखास्त और शिकायतें करती हैं, तो उनकी इस ऑर्डर से समस्याएं बढ़ने वाली हैं। वो कैसे दोस्तों? पहले मैं आपको इस केस का टाइटल, इस केस के जो तारीख फैसला है वो बता देता हूँ। ये केस था कुसुमेलिया सुनैना वर्सेस अरुण कुमार, और इसका केस नंबर था FAO नंबर 5280 साल 2019, और इसका फैसला जो है 22/12/2021 को हुआ है, और ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला है। तो दोस्तों, इस फैसले से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके केस के फैक्ट मौजूदा केस से मैच होते हैं तो आप हाई कोर्ट की साइट से जाके इस ऑर्डर को प्रिंट निकलवा सकते हैं, और कोर्ट में अपने केस में इस प्रिंट को दे के फैसला अपने हक में करवा सकते हैं। दोस्तों, इस केस के फैक्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, उनका एक बेटा होता है, और वो लोग 10 साल से अलग रह रहे होते हैं। उस केस में जो हस्बैंड होता है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करता है, सिविल हॉस्पिटल में, और जो पत्नी है, पत्नी ने एक जो शिकायत करके अपने पति के खिलाफ जो दहेज उत्पीड़न का, मारपीट का और धमकी का 498A 323 406 506 का जो है FIR वो दर्ज करवा रखी थी। इतना ही नहीं, उसने अपने भाई के मार्फत हेल्थ मिनिस्ट्री में जो अपने पति की एम्प्लॉयमेंट बारे शिकायत दर्ज करवाई कि भाई इसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो हट जानी चाहिए, तो ऐसे में क्या हुआ कि उसको जो है टर्मिनेशन लेटर तक झेलना पड़ा। तो इस टर्मिनेशन लेटर से बचने के लिए हस्बैंड को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इसके साथ ही उसने एक डम्मी कैंडिडेट भी जो तैयार करके, कंप्लेनेंट करके, वो अपने हस्बैंड की एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जो है बहुत सारी शिकायतें भी करवाई। तो ऐसे में हुआ क्या कि भाई जब इतनी सारी बातें हो गई तो कोर्ट ने कहा कि जो शादी है वो अपूर्णीय तरीके से टूट चुकी है, और किसी भी स्पाउस का कि भाई या पति पत्नी के खिलाफ शिकायतें करें या पत्नी पति के खिलाफ शिकायतें करें, तो जब कोई ऐसे झूठी शिकायतें दर्ज करवाता है तो ऐसे में वो भी अपने आप में एक मेंटल क्रुएलिटी है, और मेंटल क्रुएलिटी तलाक के आधारों में से एक है, और मेंटल क्रुएलिटी के बेस पे कोर्ट जो है वो तलाक ग्रांट कर सकता है, तलाक दे सकता है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई अगर ऐसे में हम तलाक नहीं देंगे, शादी जो है वो टूट चुकी है, तो जो उनका बेटा है वो इस टूटी हुई शादी को लेके अगर जिएगा तो उसके लिए भी वो एक मेंटल क्रुएलिटी है। तो इस प्रकार कोर्ट ने जो है डाइवोर्स की डिग्री को, डाइवोर्स के फैसले को जो है वो अपहेल्ड किया। तो ऐसे में हुआ क्या कि भाई यहाँ से जो एक ला, सेटल ला जो है वो रिपीट हुआ इस जजमेंट में कि भाई अगर कोई हस्बैंड या वाइफ अपने स्पाउस के खिलाफ झूठी शिकायतें देके उसको परेशान करता है, जॉब प्लेस पे उसको जो है डिफेम करता है, और उसको मेंटल क्रुएलिटी जो है वो उसके ऊपर करता है, तो वो भी एक तलाक का आधार है। तो कोर्ट ने जो है 10 साल से जो अलग रह रहे थे, डेजर्शन, और जो ये झूठी शिकायतें कर रहे थे, मेंटल क्रुएलिटी, इन ग्राउंड पे जो है कोर्ट ने तलाक दोनों पार्टी का कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में दी जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।